आज इस सेशन में हम जो टॉपिक डील करेंगे दैट इज़ ड्रग अब्यूज़। ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है वो हम आज इस सेशन में डील करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रग अब्यूज़, ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग एडिक्शन, और थर्ड वन है ड्रग डिपेंडेंस। ओके, ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन, ड्रग डिपेंडेंस। ओके, तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ड्रग अब्यूज़ क्या होता है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है और ड्रग डिपेंडेंस क्या होता है। ओके, इन तीनों चीज़ों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ड्रग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी सब्सटेंस, जो ड्रग यूज़ हो रहा है, जो भी ड्रग यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका क्या है, अमाउंट क्या है, इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं अब्यूज़। ठीक है, मतलब जितना नॉर्मल अमाउंट में एक बॉडी को यूज़ करना चाहिए ड्रग, वो भी किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए, उससे ज़्यादा जब अमाउंट में कोई भी चीज़ यूज़ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, अब्यूज़ बोलते हैं। ओके, ड्रग अब्यूज़ का मतलब ये है, कोई भी ड्रग हुआ, जैसे कोकेन हुआ, कैनबिस हुआ, या फिर ओपियोइड्स हो गए, LSD हो गए, ये जितने भी ड्रग्स आते हैं, या फिर कैफीन भी बोल सकते हैं, जो कैफीनेटेड बेवरेजेस आप देखते हैं, कॉफ़ी हो गया, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, अगर इसको आप एक अमाउंट से ज़्यादा आपका ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जा रहा है, आप अगर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं, इलीगल तरीके से शुरू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन कौन से ड्रग्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मली जो कुछ कॉमन ड्रग्स है दैट इज़ कोकेन, ओपियोइड्स और कैनबिस। इसके अलावा जो सब्सटेंस अब्यूज़ हम बोलते हैं, ड्रग अब्यूज़ में तो ये आ गए, सब्सटेंस अब्यूज़ जब हम बात करते हैं तो उसमें कैफीनेटेड बेवरेजेस, मतलब कैफीन भी आता है। कैफीन इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन नहीं, मतलब बॉडी में कैफीन इंटॉक्सिकेशन नहीं करता है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ हम इन सारी चीज़ों को ही पढ़ेंगे। तो कोकेन हो गया, ओपियोइड हो गया, कैनबिस हो गया, ये कुछ नॉर्मल ड्रग्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ड्रग अब्यूज़ के बाद ड्रग एडिक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या है, ड्रग अब्यूज़, जो कोई भी अगर ड्रग अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके बाद जब वो यूज़ करना शुरू होता है, एक मैंने आपको इससे पहले सेशन में बताया था टॉलरेंस के बारे में, बॉडी क्या हो जाती है उस चीज़ को लेके टॉलरेंस पावर जो है वो डेवलप कर देती है, जिसमें क्या होता है, जितना आप अमाउंट में ले रहे हो उतने अमाउंट में ड्रग अगर आप ले रहे हो तो आपको कुछ इफ़ेक्ट फील नहीं होता है, आपको बहुत अच्छा फील करने के लिए उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ता है। ओके, तो ड्रग अब्यूज़ के बाद कौन सा स्टेज आता है ड्रग एडिक्शन का, ड्रग एडिक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं ड्रग एडिक्शन क्या है। ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि नॉर्मली क्यों लोग ड्रग क्यों लेते हैं वो मैं बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऑफिस में काम करने वाले पर्सन है, या फिर नॉर्मली एक स्टूडेंट है, जब आप उन्हें प्रेज़ करते हैं, जब आप उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, तो जो हैप्पीनेस वो फील करते हैं, या फिर जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, या फिर आपको कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, तो जो अमाउंट ऑफ खुशी आपको होती है, उसी टाइप की खुशी, उसी टाइप की एक्साइटमेंट, उसी टाइप का प्लेजर जो है वो कहाँ से मिलता है, ड्रग यूज़ करने के बाद मिलता है। उस एक्साइटमेंट को हम क्या वर्ड बोलते हैं, दैट इज़ यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया क्या होता है, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग एक्साइटेड और फीलिंग हैप्पी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यूफोरिया बोलते हैं। ओके, तो जब भी कोई ड्रग लेता है तो जितनी अमाउंट में उसको खुशी, नॉर्मल चीज़ें करके जितनी उसको खुशी होती है, उससे डबल या ट्रिपल अमाउंट में उसको खुशी कब होती है, जब वो ड्रग लेते हैं, ठीक है, ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, यूफोरिया को अटेन करने के लिए, यूफोरिया के लिए, मतलब एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुश होने के लिए क्या करते हैं, ड्रग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में डोपामिन का अमाउंट जो है, डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, और वो क्या करता है, जो यूफोरिया, मतलब जो फीलिंग है, हैप्पीनेस की फीलिंग है, उसको और ज़्यादा एलिवेट कर देता है। ओके,
तो ड्रग एडिक्शन यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, ताकि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, जो भी पर्सन है जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश फील खुश फील करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बार बार उनको वो ड्रग की ज़रूरत पड़ती है। जब भी वो थोड़ा सा भी अपसेट होंगे, थोड़ा सा भी सैड होंगे, या फिर थोड़ा उनको ऐसा लगेगा कि हम आज लो फील कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ड्रग यूज़ करना चाहिए और थोड़ा और खुश हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे वो चीज़ यूज़ करते करते क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्शन हो जाता है। ओके, ड्रग एडिक्शन के बाद जो स्टेज आता है, दैट इज़ ड्रग डिपेंडेंस। ओके, नाउ कमिंग टू ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग डिपेंडेंस में क्या होता है, जब एक चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे जिन्होंने ड्रग लेना शुरू किया, देन उससे एडिक्टेड हो गए, बाद में उनको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ड्रग के बिना वो खुश हो ही नहीं सकते हैं, या ड्रग के बिना वो अपना डेली रूटीन, एक जो एक दिन का जो रूटीन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर पाएंगे। वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उस चीज़ पे, ड्रग पे, या कोई भी जो पर्टिकुलर चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं, कि उसके बिना उनका लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट लगना शुरू हो जाता है। दैट इज़ नोन एज ड्रग डिपेंडेंस। ओके, ठीक है, तो ये था ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग डिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं कि इसका एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है, ड्रग अब्यूज़ जो है उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। आप एटियोलॉजिकल फैक्टर्स से बेटर है कॉजेज। ओके, तो सबसे पहला जो कॉज है वो है हाई अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी। ठीक है, नॉर्मली जो न्यू जनरेशन है, जो ये टीनेजर्स वाला टाइम होता है, उस टाइम पे अगर बच्चों के पास पॉकेट मनी उनकी ज़्यादा है, तो वो ड्रग जो भी ड्रग होते हैं उनको वो अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड करने के वजह से पीयर प्रेशर अगर है और पॉकेट मनी भी उनकी काफ़ी अच्छी है, तो उसके वजह से क्या होगा, वो ड्रग्स वगैरह अफोर्ड कर भी सकते हैं और कंज्यूम करना शुरू भी कर सकते हैं। सिर्फ ड्रग की भी बात नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल की भी अगर बात करें, तो अल्कोहल भी लेने के लिए अगर आपकी पॉकेट मनी सफिशिएंट आपको घर से मिलती है, तो वो अल्कोहल में पैसे चले ही जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन जो कॉजेज हमारा है, दैट इज़ पॉकेट मनी। ठीक है, अगर पॉकेट मनी बहुत अच्छी खासी मिल रही है तो। दूसरा जो हम बात करते हैं, कि पेरेंटल इफ़ेक्ट। ठीक है, पेरेंटल इफ़ेक्ट में क्या है, या मदर या फादर में से कोई भी बच्चों के सामने जब अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू करते हैं, या फिर ड्रग कंज्यूम करना शुरू करते हैं, तो जो भी बच्चे होंगे घर पे, वो क्या होंगे, वो भी वल्नरेबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि हमें भी ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हम भी ये चीज़ ट्राई करेंगे। तो पेरेंटल इफ़ेक्ट की वजह से भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जिन लोगों के फादर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी अल्कोहल हो गया या ड्रग हो गया बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके अलावा बोला जाए तो लो इनकम भी है। ठीक है, लो इनकम, अब यहाँ पे पॉकेट मनी तो हो गया, पॉकेट मनी अगर बहुत ज़्यादा है तो अफोर्ड कर पाएंगे। लो इनकम में क्या होता है, अगर आपके इनकम बहुत ज़्यादा लो है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई भी आपको आके ड्रग्स वगैरह अगर बेचता है, तो आप उसको ख़रीदने के लिए कुछ और क्राइम वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो एक और रीज़न है कि लो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, वो भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनना शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे ड्रग्स वगैरह यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से आसपास के जो विलेजेस होंगे या आसपास के जो एरिया होंगे, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, और जो वहाँ के यंगस्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ओके, इसके अलावा एक और है कि अगर पीयर प्रेशर, जैसे हमने पहले पढ़ा कि पीयर प्रेशर की वजह से ग्रुप में अगर एक या दो लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनके पीयर प्रेशर में आके उनके वो ग्रुप के वजह से बाकी जो बच्चे होते हैं वो भी वो चीज़ कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये थे कुछ कॉजेज ड्रग अब्यूज़ के। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं।
तो सिम्टम क्या है, बहुत ज़्यादा डल रहते हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो ड्रग अब्यूज ड्रग जो है वो यूज़ कर रहे हैं, दैट उनका जो पूरा जेस्चर होगा बहुत ज़्यादा डल होगा, लेथर्जी होगी बहुत ज़्यादा, फेस जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत रेड होगा, आइज़ के नीचे जो है वो पफ़ीनेस होगा, ये स्वॉलन होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे पफ़ीनेस होगा। उसके अलावा अनकॉन्शियसनेस भी हो सकती है, अगर आप डोजेस ज़्यादा ले रहे हैं तो अनकॉन्शियसनेस होंगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, वो एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि किसी भी पर्सन को भूख नहीं लगती है ड्रग लेने के बाद। उसके अलावा क्या है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जब आप खाना नहीं खा रहे हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट है, आप कुछ भी बाहर से खाना इनटेक नहीं कर रहे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बॉडी वेट क्या होता है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम विड्रॉल सिम्टम देखते हैं। विड्रॉल में क्या है, ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन है तो इंटॉक्सिकेशन और विड्रॉल क्या होता है, जब भी ये सपोज ड्रग है या फिर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज दिस इज सब्सटेंस या ड्रग, तो जब भी ड्रग बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, दैट इज इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, और जब वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है, दैट इज विड्रॉल, ठीक है, बॉडी के अंदर आया ड्रग या सब्सटेंस कोई भी बॉडी के अंदर आ रहा है, दैट इज़ इंटॉक्सिकेशन, और बॉडी से बाहर जा रहा है, दैट इज़ विड्रॉल। तो जब भी बॉडी से बाहर जो भी सब्सटेंस जो ड्रग यूज़ किया है वो जब बॉडी से बाहर जाएगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो है उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, ये उनके विड्रॉल सिम्टम्स है ड्रग अब्यूज़ वालों के। ओके, इसके बाद हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, ड्रग अब्यूज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, हॉस्पिटलाइज करना है, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट उनकी शुरू होती है, इसमें भी फिर उसके बाद उनको विटामिन्स टैबलेट्स दिए जाते हैं, सप्लीमेंट्स ऑफ विटामिन बी और मिनरल्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इनको डिटॉक्सिकेशन करना होता है, डिटॉक्सिकेशन का मतलब है, जो मैंने पहले एक और सेशन में बताया है, डिटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कि जो सेम अमाउंट ऑफ यूफोरिया जो है वो एक दूसरी टैबलेट्स भी कॉज करते हैं, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शंस क्रिएट करते हैं आपके बॉडी में, वो आप पेशेंट को खिलाएंगे कुछ टाइम तक, जब तक वो उस चीज़ से, वो ड्रग से डिपेंडेंसी उनकी हट ना जाए, एडिक्शन जब तक हट ना जाए, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो उसको हम डिटॉक्सिकेशन बोलते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ओके, उसके अलावा थेरेपीज प्रोवाइड करेंगे, फैमिली थेरेपी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। तो ये था ड्रग अब्यूज़, ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंस। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।